खाना बनाते समय मां की बेटे ने निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वही मामले को लेकर फरार बेटे की तलाश की जा रही है। पूरा मामला मुजग गहन थाना क्षेत्र का है, जहाँ सुबह खाना बनाते वक्त एक महिला की हत्या कर दी और ये हत्या बेटे ने की है। थाना मुजहन में जो है टिकारी गांव है, वहां पर एक लगभग 55 साल की महिला है, उसका बेटा जो है वो उस पर हमला कर दिया। सवेरे खाना बना रही थी, पीछे से आकर के उस पर सिर में हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई है। इस पर जो है अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और आरोपी की पता तलाश की जा रही है। क्या वजह से विवाद भी उन्हें बताया जा रहा था? ये तो अभी जो है पता चला है कि मानसिक रूप से थोड़ा सा विचलित भी था ये, और कुछ पारिवारिक मैटर भी है। ये सब जो है अभी जाँच की जा रही है, जाँच के बाद तथ्य सामने आएंगे।